हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। तो फ्रेंड्स, अब पता ही होगा आपको, हमने दो वीडियो बनाई थी इससे पहले naukri.com और job.com के बारे में और sign.com के बारे में, तीन वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो मैंने भी अभी बताया था जैसे ही वहाँ से कोई खबर मिलेगी जॉब के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा। तो खबर तो बहुत ही गंभीर है, जैसे मैंने बताया कि sign.com का तो कॉल आया नहीं, लेकिन जॉब से और naukri.com से दोनों से कॉल आई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था और तो इसी बारे में हमने अब डिस्कस करने के लिए आपको बताया कि आप भी चौकन्ने हो जाए किस प्रकार का वहाँ मतलब सिस्टम होता है, ये इसमें रियल जॉब मिलती है या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले naukri.com के बारे में बात करते हैं। naukri.com में भी आपने देखा होगा वीडियो में, हमने सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए अप्लाई किया था। ठीक, तो उसके दो तीन दिन बाद मेरे पास कॉल आती है। एक्चुअली वो तो मैंने इसमें अपना दिखाया था, लेकिन जब उसी के साथ मैंने एक अपने बंदे का डाला था, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर उसमें अपना डाला नहीं था, एक बंदे की प्रोफाइल डाली थी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही उसी दिन। तो उसके 2-3 दिन बाद कॉल आती है। कॉल आने के बाद उनसे बात होती है, कह लगे सर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। कह लगे हाँ ठीक है सर, जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो कह लगे आप पहले तो बताया कि हाँ इस कंपनी में जॉब है। वे शायद कंसल्टेंसी वाले थे, तो उन्हें जॉब के लिए 2-3 जगह सिक्योरिटी का बताया सिस्टम के। हाँ, तो हमने उसे ये भी नहीं बोला कि किस कैटेगरी में जॉब, उसने बोला सर आ जाओ। हम कह लगे भाई कैटेगरी क्या है, नुके कैटेगरी तो जो आपने डाली होगी वही है, आप हम यहाँ जॉब दिलाते हैं, चाहे सिक्योरिटी की हो या किसी की भी हो, आप आ जाओ। चलो ठीक है, हमने जाने से पहले बोला भाई कोई चार्ज तो नहीं है। कह रहा सर बिल्कुल भी कोई 1 रुपया चार्ज नहीं है, कोई भी फीस उससे नहीं ली, आपसे नहीं ली जाएगी और आपको प्रॉपर तरीके से जॉब दी जाएगी। मैं चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। और वो बंदे के साथ मैं भी चला गया। उसने बुलाया हमको राजेंद्र नगर मेट्रो के नीचे, पता नहीं कौन सी गली है, वो एक गली है, वहाँ पे उनका ऑफिस था। ऑफिस क्या, एक फ्लैट टाइप से में भी बैठते हैं, फ्लैट का ऑफिस बना रखा था। ठीक है, वो मतलब किसी फ्लैट वाली बिल्डिंग में, ऐसे ये नहीं कि मार्केट में अलग शॉप टाइप का हो कुछ या कुछ ऑफिस टाइप का, बस फ्लैट में ही, क्योंकि उससे ऊपर नीचे 1-2 ऑफिस और थे और बाकी कुछ घर भी थे उसमें। ठीक है, हम वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद बैठते रिसेप्शन पे, तो बोलने लगे कि क्लास चल रही है अंदर, आप बैठो वेट करो। चलो वेट करते हैं हम। वेट करने के बाद हमने देखा तो फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे जो प्रोग्राम दिखाने वाले होते हैं ना गली गली में गाने वाने से बजाते हैं, तो वे आ गए हैं, थोड़ा सा साउंड आएगा उसको इग्नोर करिएगा, मेन पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। तो जैसे ऑफिस में हम गए, उन्हें बोला हमारे को वेटिंग करने के लिए कि आप वेट करो, तो वहाँ पे काफ़ी बंदे आए हुए थे, वे भी वेट कर रहे थे। हमने उससे बोला मगर भाई तूने कहाँ पर अप्लाई किया। कह रहा मैंने अपना जॉब पर अप्लाई किया। अच्छा जी, दूसरा बोला कि मैं वही नुकत मैंने sign.com पे अप्लाई किया। अच्छा, मगर यार मैंने उस पर naukri.com पे, और काफ़ी बंदे मतलब naukri.com पे या साइन पे, मतलब सब मिक्स थे। तो हमने सोचा चलो जॉब देने का इनका काम होगा तो सब पे ही, हालांकि इन लोगों ने सभी पे प्रोफाइल अपनी अपडेट कर रखी है। ठीक है, प्रोफाइल अपनी अपडेट कर रखी है। इसमें फिर क्या करते हैं, ये कुछ देर बाद एक फॉर्म देते हैं, सर इसको भरिए, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, ये चीज़ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। सब ने फॉर्म भरा, हमने कह लगे सर इसके फॉर्म के जो हर वो हाँ फॉर्म के 75 रुपये चार्ज फॉर्म का। चलो भाई फॉर्म का 75 रुपये चार्ज है, अब वहाँ गए बंदे पेट्रोल फूक के, कोई मेट्रो से कोई कैसे मतलब सोचते आदमी है, चल 75 रुपये की बात है, चलो कोई बात नहीं दे दो। ठीक है भाई, 75 रुपये हमने उसके दे दिए, उन्हें फॉर्म दिया, फॉर्म भर दिया। ठीक है, अंदर चलते हैं। अंदर चल के आने के बाद वहाँ पे एक बैच ऑलरेडी बैठा था, उसमें 20-22 बंदे ऑलरेडी बैठे, फिर हम बैठे। हम अंदर जाने के बाद
फिर वहाँ पे हाँ अंदर जाने के बाद तलाश चले तो बैठे तो क्लास चली, ऑडिटोरियम था पूरा, मतलब स्क्रीन विस्क्रीन लगी हुई। तो वहाँ पे वो दिखा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ऐसे ऐसे ये है वो है फलाना ढिमक्का जो भी है। ठीक, ये चीज़ करते करते नेटवर्क मार्केटिंग है, हम कह लगे सर आप नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों दिखा रहे हैं, हम तो सिक्योरिटी की जॉब के लिए आई है, सिक्योरिटी की जॉब में तो ये सब जो आप दिखा रहे हो ये है ही नहीं। तो कहते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब में आप 10,000 रुपये कमाओगे, 12,000 रुपये कमाओगे, 8 घंटे की नौकरी करोगे, और कोरोना चल रहा आपको ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, ये भी जाना पड़ेगा, तो क्या पता कहाँ कहाँ ये आपका है नेटवर्क मार्केटिंग का, घर पे बैठे होगा, इतना होगा, इतना लाख कमा लेंगे, ये कमा लेंगे। वही जो नेटवर्क मार्केटिंग वालों का सिस्टम होता है उसमें वो कहने लगा। अब वहाँ पे देखो कुछ कहते नहीं सकते नहीं थे, बस ठीक है चुपचाप बैठे रहे, सभी बंदे बैठे रहे, हम भी बैठे रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, अब क्या करें, वापसी जाए या जो भी है मत्था फेरी करे। तो हमने चलो ठीक है क्लास ली उसकी, क्लास लेने के बाद कहने लगे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इतना एक्साइटेड कर देते हैं लोगों को कि कुछ बंदे जो ज्वाइन के लिए तैयार भी हो जाते हैं, और ज्वाइन के लिए कुछ बंदे अपने ही बैठाओ रखते हैं वहाँ पे, अपने भी बैठाओ रखते हैं। फिर बताओ बोलो किस किस का इंटरेस्ट है इसमें, कौन कौन अप्लाई करना चाहता है। क्या लगा सर हम अप्लाई करना चाहते हैं इसमें, क्या लगा लिखाओ 115 रुपये तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है 115 रुपये। मगर चलो कोई बात नहीं, 115 रुपये है, उन्हें कुछ बंदों ने दे दी, हमने तो साफ ना कर दिया देखो अभी हम सोचेंगे इसके बारे में। कह रहे सोच नहीं है अभी 115 रुपये रजिस्ट्रेशन भी, 2-3 बंदों ने रजिस्ट्रेशन भी, और जो उनके बंदे थे पहले थे वे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं, हाँ यार सही है ये, घर से बैठोगे फलाना ढिमक्का जो भी है इतना वगैरह, चल दे दिए भाई। हमारे टोटल वहाँ चले गए मतलब 200 के समथिंग पैसे चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो करने के बाद ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आप इसमें 7,000 रुपये जमा करो और आप इस कंपनी के एम्प्लॉई हो जाओगे, फिर आगे ये जो चैन सर्कल चलता था वही उसमें चलता रहा। अब जो उसके बंदे थे खुद के वहाँ पे उन्हें फटफट से निकाल के 7,000 रुपये दे दिए, किसी ने सर मैं फ़ोन पे से कर सकता हूँ, मैं उससे कर सकता हूँ, एक दो बंदे ने और दे दिए। अब भैया तीन ये लगा लो कि 22-23 बंदे के आसपास उसमें थे, और 22-23 बंदे में 2-3 बंदे में अपने ही बैठा रखते, देखो हम करेक्ट नहीं कह सकते उनके थे, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं एकदम कोई 7,000 रुपये फट से निकाल के दे दे। ठीक है तो उन्हें 7,000 रुपये निकाल दिए, 2-4 बंदों ने और एक्साइटमेंट में कह लगे सर मन पे 3,000 रुपये, नहीं कह ले 3,000 रुपये दे दो, बाकी आप बाद में फ़ोनपे कर देना। ठीक है चलो भाई जुड़ गया। अब हम से बोलने लगे सर ये है वो है, आज डिस्काउंट है, अगर आप कल करोगे तो इतना चार्ज बढ़ जाएगा, फिर 10,000 रुपये से ज्वाइनिंग होगी होगी। मगर सर चाहे 15,000 से ज्वाइन हो हम घर जाके डिस्कस करेंगे इस बारे में। कह रहे ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कैटेगरी क्या चूज़ करी, ये जैसे हमने कोई भी प्रोफाइल डाली इसमें अपनी सिक्योरिटी की, इनमें एक डाटा सर वो हो जाता है भाई इतने बंदों ने प्रोफाइल डाल रखी है, देखो 15,389 बंदों ने इसमें प्रोफाइल डाल रखी है। वे जो बंदे होते हैं फॉरवर्ड होती है एक नंबर के, और वे सब पे कॉल करते हैं, सब पे कॉल करेंगे, सब पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। तो व्हाट्सअप मेल करके बंदा सोचता है चलो यार इस वो जॉब के लिए आई है, एचआर का है, मैं एचआर हूँ, मैं वो ये हूँ, ये सब चीज़ कह के बोलता है बंदा, वहाँ चला जाता है जाने के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ हमें असल में तो हमें वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यहाँ पर हर कंपनी से आया हुआ है, हर कंपनी से। अभी जब तो थोड़ा सा ये लगा डाउट सा यार हर कंपनी में से, हमने जॉब में डाला या फिर नौकरी में डाला या बहुत सारी वेबसाइटों से वहाँ बंदे आए हुए थे, हमने 2-4 से बात करी वहाँ पे जब वेट कर रहे थे। तो मैं कहा यार ये क्या मैटर है, फिर उन्हें बताया कि हम जॉब देने का काम करते हैं ये सब चीज़। अब कुल मिला के ये है कि उनका तो 200-200 रुपये पर बंदे तो ले लिया, 22 बंदों की बैच हमारे पास बैठा हुआ था। अब 22 में से ये लगा लो कि 70-70 तो सबने दे दिए, और जो 110-110 रुपये है वे अंदर 10-12 बंदों ने दे दिए थे, 10-12 बंदों ने, और वहाँ 2-3 बंदों ने 7,000 रुपये भी दिए, 2-3 बंदे ऐसे करीबन 4-5 बंदों ने, किसी ने 3,000 किसी ने 7 के साथ, तो वहाँ दिए भी हैं। तो ये कुल मिला के इनका
इनका तो बढ़ गया, कितने का किराया होगा उसका फ्लैट का, वे एक बैच में से उन्हें इतना कमा लिया। ये सारे बंदे वहाँ, मैं कहूँ हज़ारों में बंदे पहुँचते हैं, हज़ारों में। तो यही सिस्टम करते करते हम किस नौकरी के लिए गए थे, किस के लिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नौकरी या जो .com ये जो है वेबसाइट गलत है, नहीं। मसला ये है कि ये वेबसाइट तो ठीक है, लेकिन इसमें रजिस्टर्ड हर तरह का आदमी कर लेता है। हमने कर लिया, हम जेन्युइन है, लेकिन फ्रॉड है। प्रोफाइल नौकरी.com को एक चीज़ ये सुधार करना चाहिए किसी भी कंपनी के, उस कंपनी के बारे में जाने के वो रियल है या फेक है। इसमें फेक लोग भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं। जिनको सही है उनको वर्कर नहीं मिल पाते, और जो फेक है उनके पास हज़ारों लोग चले जाते हैं, और हज़ारों लोग चलते चलते यही सर्कल में फंसे जा रहे हैं। तो मेरी नौकरी.com और जॉब इन सारे प्लेटफॉर्मों से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी जॉबर उस पर अगर जॉब अपलोड करता है तो उस कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल चेक करें, प्रॉपर तरीके से देखें कि ये वर्क किस पर कर रहे हैं, ये रियल में जॉब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, कोई भी कंपनी अगर किसी बंदे को कॉल करे तो उसमें ये सिस्टम नहीं होना। आप देखना जोमेटो से, अगर उससे अमेजोन से अगर आप कोई ऑर्डर करोगे और डिलीवरी करने आएगा ना कोई बंदा, वो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो अमेजोन का एक नंबर पे कॉल करेगा और वो कॉल अमेजोन से ट्रांसफ़र होते हमको आएगी। तो ये चीज़ नौकरी.com और sign.com इन वेबसाइटों को पता होना चाहिए कि जो कोई जॉब के लिए अप्लाई करता तो पहले वो इनसे कॉन्टेक्ट करे, नौकरी.com भी या किसी भी वेबसाइट से, उसके थ्रू होते हुए हमको कॉल आए। क्यों? क्योंकि पहले इनको क्लियर हो जाए कि हाँ इस ये बंदा सही कर रहा है। अब वे प्राइवेट नंबर से कॉल करते हैं, प्राइवेट नंबर से व्हाट्सअप करते हैं, दो दिन बाद वो व्हाट्सअप नंबर बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसमें क्या है, आपको कौन बुला रहा है आगे, ये क्या प्रूफ है? भेज दिया फर्जी आईडी, हाँ कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है, फलाना है, डिमक्का है, और कंसल्टेंसी वाले हैं, बतेरे रजिस्टर्ड भी करा रखे हैं। बहुत चल रहा है सर्कल उस एरिया में, तो बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा काफ़ी ऑफिस वहाँ पे, और भी एक जगह से उसके बाद मैं बताऊँ, जॉब से कॉल आई सेम प्रोसीजर, उसने किसी और कंपनी का बताया, पता नहीं मिंत्रा में जाना करेंसी कंपनी में, मगर ऐसे ऐसे मिलेगी, ये वो मिलेगी, क्या मगर सर कोई चार्ज, कह रहा कि नहीं कोई चार्ज नहीं है, आप आ जाओ। हमने सोचा मगर वही सिस्टम है जो पहले वाला, और होता भी तो हम इसके बारे में गए नहीं, क्योंकि जो एक बार ठोकर खा गया वो दोबारा थोड़ी जाएगा। तो ये चीज़ है कि इन कंपनियों को थोड़ा सुधार करना चाहिए कि नौकरी देने वाले से पहले प्रॉपर जांच करें, और वे अगर हमसे कॉन्टेक्ट करने, हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये हाइड होने चाहिए। कोई रजिस्टर्ड कंपनी परफेक्ट ही ट्रस्टेड कंपनी उसको हम पे विजिट कर सके, और वो हमारा नंबर भी डायरेक्ट ना ले, वे इसी प्रकार से ले कि वे उसको कॉल करे डायरेक्ट, वो हमको कॉल ट्रांसफ़र करे कोई भी नौकरी कंपनी। तो इस तरीके से इनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। आज जो है अभी देखा जाए तो हज़ारों वेब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और वे दावा करती है कि हम लाखों नौकरी देते, करोड़ों नौकरी देते हैं, और इंडिया में आज भी बंदे बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर हकीकत में नौकरी देते हैं तो सभी बंदे वहाँ पर रजिस्टर्ड करके अब तक कब के सेट हो जाते, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं ना। हो सकता है अगर रियल में जॉब है तो इन कंपनियों को सुधार करना चाहिए, अपने अंदर ये सुधार करना चाहिए कि हम कैसे परफेक्ट कंपनी को परफेक्ट बंदे के पास कनेक्टिविटी करा सकें। वो सबसे बड़ा इनका महत्व पॉइंट होगा कि हम राइट को राइट से मिलाएं, ना कि राइट को रोंग से, रोंग को राइट से मिलाएं। क्योंकि ये फ्रॉड गर्दी अभी छोटी छोटी स्टार्ट होती है, आगे जाने के बाद बड़ी हो जाती है। बहुत से बंदों ने ये कहा कि ऐसे ऐसे करके 100, 200, 500, 400 कर हज़ारों पे चली जाती है, और हज़ारों से फिर लाखों पे चली जाती है। अब बंदा सोचता है यार हज़ार तो मेरे चले गए, चल 5,000 और दे देता हूँ, 1,000 तो डूबी गई, फिर 6,000 हो जाते हैं। इस तरीके से बंदा फंसता जाता है, और ये बहुत हो रहा है हमारे, और ज़्यादातर दिल्ली के अंदर, जल्दी के नहीं, ज़्यादातर जितनी भी मेट्रो सिटी है यहाँ पर यही ऑफिस बने हुए हैं। और
एक्शन भी नहीं लेता कोई, क्योंकि हमने देखा है, बहुत वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे भी, आपको देख लेना इन्हीं कंपनियों के बारे में, कि दो तीन बंद दिन कंपनी चालू रहती है फ्लैट टाइप के होते हैं, फिर वहाँ अगली बार जाके देखोगे तो वहाँ दूसरी कंपनी खड़ी है, दूसरे वर्कर आ रहे हैं वहाँ, सब वो है नहीं, वे एक दो महीना तीन महीने टिकते हैं साहब, हालांकि बहुत सी तो ऐसी ऐसी हफ्ते हफ्ते में निकल जाती है और उन पर कोई रोक और थाम नहीं है, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये कंपनियाँ सुधार कर सकती है, इन कंपनियों को सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो यही थी मेरी वीडियो, और मैंने अप्लाई, हालांकि आप अप्लाई कर सकते हैं इन पे, लेकिन आपको प्रॉपर से जांच करनी पड़ेगी कि ये राइट है या रॉन्ग है, एक रुपया मांगो या दस रुपये मांगो। नहीं, मैंने देखा है जो जॉब जिस बंदे को जितनी ज़रूरत हमारी होती है ना नौकरी की, इतनी ज़रूरत कंपनी की होती है वर्कर की, तो कंपनी वर्कर हायर करने के लिए, जो रियल कंपनी होते हैं वर्कर हायर करने के लिए पैसे देती है, पैसे देती है, जैसे कंसल्टेंसी है ओरिजिनल है, वे इसी चीज़ का तो काम करती है, वे बंदे से पैसे थोड़ी लेती है, वे थोड़ा बहुत कमीशन लेती है, लेकिन कंपनी से भी मिलता। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जो कंपनी जेन्युइन होगी वह जॉब देने के पैसे लेगी या देगी, देती है जॉब देने के लिए, जॉब हमारे पास वर्कर आ जाए उसके लिए कमीशन देती है। बहुत सारे ऐसे बहुत सी कंपनियों में है, Myntra.com में मैं जब ज्वाइन करता था तो वहाँ पे उन्हें वर्करों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्हें खुद के वर्करों में अपनी स्कीम चलाई रेफरल बोनस, क्योंकि अगर हम वर्कर हैं वहाँ से और दूसरे वर्कर को कोई किसी को लाते हैं और वो कुछ दिन सही से काम करता है तो 2-3 हज़ार रुपये 4,000-5,000 बोनस देती है। मैं उस टाइम पे 2015 के आसपास थे, मेरे को 2500 रुपये बोनस मिला था, मैंने एक बंदे को ज्वाइन करा था। तो कंपनी पैसा देती है ना कि लेती है, उस कंपनी को वर्कर चाहिए, करेक्ट। इन पे है वे कंपनी रजिस्टर्ड, हालांकि वे कंपनी भी सोचती है अब इन पर रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि फेक वर्ड दी जाती है। तो यही चीज़ देखते हुए मेरा तो इनका एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है, और दूसरे की बताई हुई छोड़ो, हमने खुद जाके एक्सपीरियंस करा। मेरा एक दोस्त है नितिन, उसकी मैंने फाइल डाली थी, वो बहुत परेशान था बेचारा। देखो ये देखो कितना परेशान था, वो मेरे को डेली कॉल करता था, कैसे ऐसे सर जॉब के लिए कोई, मैंने जो जॉब डाल रखी थी वो उसको फिट नहीं बैठती थी, वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी कम, बस 10वीं था और गांव से वैसा था। कह लगा सर मैं सिक्योरिटी गार्ड की तो कर लूँगा, मैं चलो ठीक है आप सिक्योरिटी गार्ड की कर लो, तो देखते हैं भाई। अब मैं उसके साथ खुद गया हूँ, मगर चलो एक्सपीरियंस लूँगा, जब भी तो आगे अगर एक्सपीरियंस लगा तो मैं सभी बंदों को कॉल करके और भाई सबको सेपरेट खुद से दिलाऊंगा, जो मेरा इच्छा यह थी, मेरा सपना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जॉब दिला सकूँ मैं, तो इसी चीज़ के लिए मैं खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए उसके साथ गया। तो ये सब सर्कल है, देख लीजिए आपको ट्राई करना है या नहीं, आप खुद से पता करिए कि मुझे इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो